अस्सलाम वालेकुम, मैं रेमेडीज विद सिद्रा कामरान एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में शादो आबाद होंगे और माह रमज़ान की इबादत में मसरूफ़ होंगे। तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दे, ना कि हमारे मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया से इस कोरोना वायरस को ख़त्म कर दे। और जैसे हम पहले इबादत करते थे मस्जिदों में जाके, वैसे ही दोबारा रौनकें बहाल हो जाएं। तो मैं अम्मी की तरफ आई हुई थी अफ्तारी पे, तो अफ्तारी के बाद थोड़ा हैवी हैवी फील हो रहा था। तो मैं जो आज 10 दिन हो गए हैं मैं जो ड्रिंक यूज़ कर रही हूँ, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। यकीन जाने इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं उसके, उम्मीद है आप लोग उसको जानते ही होंगे। तो मैं आपको तारुफ करा देती हूँ, मैं बात कर रही हूँ मोरिंगा की। बहुत ज़्यादा अच्छा है ये मेरे हिसाब से, तो मेरे लिए तो ये ऐसे है जैसे वो गोल्ड है, इतना अच्छा है मेरे लिए। तो मैंने इसको 10 दिन यूज़ किया और मैंने 2 kg वेट लॉस किया, यानी कि ये इतना अच्छा है। मैं कोई इस पर 2-4 रिव्यूज़ के लिए, व्यूज़ के लिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, वाकई इसका बहुत फ़ायदा है। तो अगर तो आपके घर के बाहर कोई पौधा लगा हुआ है, सुहांजना इसको कहते हैं, एक्चुअली मोरिंगा को सुहांजना कहते हैं। तो अगर तो आपके घर के बाहर वो लगा हुआ है तो आपने इस तरीके से होगा, ये देखें इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पत्ता, तो ये पत्ते होते हैं, तो इनको थोड़ा ड्राई करके उसके बाद इसको पीस के आपने लेबॉरेटरी से टेस्ट करा लेना है कि ये वाकई ओलिफेरा है। ये देखें, ये फोकस कर, ये देखें ओलिफेरा है, ठीक है। आपने इसको यूज़ करना है, देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ किया है, मैंने अभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया इसको, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा सा लेना होता है, बिल्कुल थोड़ा सा, देखें इतना सा, क्योंकि ये इतना सा लेना होता है, ठीक है। जब आपके स्टार्टिंग के डेज़ हैं आपने इतना लेना है, इतना, ठीक है। जब आपको 10 दिन हो जाएंगे आपने इतना लेना स्टार्ट कर देना है, जब आपको 20 डेज हो जाएंगे आपने इतना लेना स्टार्ट कर देना है, डे बाय डे आपने इसको ज़्यादा करना है, ठीक है। तो मेरे अभी 10 दिन हुए हैं तो मैं इसको इतना यूज़ करती हूँ, अभी मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया। तो मैं जिस तरीके से अपना वेट लॉस ड्रिंक बनाती हूँ मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी, जिस तरह मैं अपना एक ग्लोइंग स्किन ग्लो फेस मास्क बनाती हूँ वो भी मैंने, जो नहीं हाँ जो मैं अपना स्किन ग्लो फेस मास्क बनाती हूँ वो भी मैंने आपसे शेयर करना है, ठीक है। बहुत इजी है। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और ये बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको इस मोरिंगा से वेट लॉस ड्रिंक जो है, जो मैं बनाती हूँ, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि वो किस तरीके से बनाते हैं और इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो चलें चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। हाँ जी, तो ये देखें मैंने इसमें 2 चम्मच पानी लिया है, अगर आप घूंट का हिसाब लगाएं तो 1 घूंट मैंने इसमें पानी लिया है, और इसको इसको 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी और इसको मैं बनाऊँगी, ठीक है। ये देखें पाउडर फॉर्म में है ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद मैं दोबारा आती हूँ। हाँ जी, तो देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। पाउडर ये हल्का हल्का ऊपर रहेगा, आप इसको जितना मर्जी यूज़ कर लें। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना भूल गई थी, आपने पानी लेना है नीम गर्म, उसमें 2 चम्मच आपने सादा पानी ऐड करना है। मैं चूँकि अम्मी के घर आई हुई थी तो मेरे पास सेब का सिरका नहीं है, अदरवाइज़ मैं इसमें सेब का सिरका ऐड करती हूँ। 1/2 टीस्पून मैं उसमें इसमें सेब का सिरका डाल के, नीम गर्म पानी 2 घूंट डाल के, 2 चम्मच डाल के, उसके बाद इसमें मैं जितना मैंने मोरिंगा ऐड किया है उतना मैं इसमें ऐड करके उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके तो फिर ये पानी बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं सादा पानी जो मेरे पास नीम गर्म पड़ा हुआ था अब इसमें मैंने वो ऐड कर दिया, ठीक है, इस तरीके से बन गया, ठीक है। ये बना है 1/2 ग्लास से भी थोड़ा कम, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं पिया जाता, पाउडर फॉर्म में होता है, जितना मर्ज़ी आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लो, थोड़ा बहुत मुंह में पाउडर आता है तो वो थोड़ा आपको थोड़ा बुरा लगेगा, इसलिए आपने
हाफ लेना है, मतलब आपकी मर्जी है। अगर आप इसको पूरा ग्लास पीना चाहते हो आप इसको पी सकते हो, अगर आप इसको हाफ ग्लास पीना चाहते हो, अगर आप इसको दो घूंट पीना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से पी सकते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है इसको पीने की, इसको पीना किस तरीके से है। आपने मॉर्निंग में उठना है, ठीक है, आपने फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद आपने इस स्टीम को बनाना है जिस तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया। उसके बाद आपने खाली पेट इसको पीना है, ठीक है। उसके एक घंटे बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद आपने 10 बजे से लेके आपने फुल डे आपने 3 से 4 लीटर पानी यूज़ करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, जिस तरीके से आप पानी आप पियेंगे तो वो जैसे जैसे डिस्चार्ज होगा आपके जो बॉडी है उसमें जो ज़्यादा एक्स्ट्रा जो फैट है वो कम होगा। इंशाल्लाह ताला आपको 1 वीक में रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ 100%। आप मुझे याद रखेंगे इस रेमेडी में कि ये वाकई सच है, ये बात वाकई सच है, मेरे साथ हुआ है एक्चुअली में, मेरा वेट लूज़ हुआ है, मैं सच कह रही हूँ। आप भी यूज़ करें, आपको भी फ़ायदा होगा। तो अब इससे मैं फेस पैक बनाना सिखाऊंगी, फेस को ग्लो करेगा, छाइयाँ कम करेगा और आपकी स्किन को ग्लो देगा, बहुत अच्छी स्किन हो जाएगी। तो चलें चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। हाँ जी, तो इसके लिए मैंने एक छोटा ये मेरे पास कप था, बॉल नहीं था है, तो मैंने ये बॉल लिया। इसमें ये थोड़ी सी मलाई यूज़ करेंगे, वैसे इसमें हम लोग यूज़ करते हैं योगर्ट, लेकिन अभी नहीं था, थोड़ा ही था, मम्मी ने सहरी के लिए दही जमा लिया। ठीक है, तो अब इसको हमने यूज़ कैसे करना है, इसमें हमने ऐड करना है थोड़ा सा, ये इतना सा हमने इसमें मुरिंगा ऐड करना है। ठीक है, ये बिल्कुल थोड़ा सा आपने ऐड करना है। इसके बाद हमने इसमें ये थोड़ी सी मलाई ऐड कर देनी है। ठीक है, अब इसको मिक्स करके मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। देखें, अच्छा चलें, ये देखें मैंने इस तरीके से इसको अच्छा सा इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। इसमें मैंने मलाई ऐड की है और साथ में मैंने 1/2 टेबल स्पून ये मोरिंगा ऐड किया है। तो ये आपका फेस ग्लोइंग मास्क तैयार हो गया है। अच्छा, आपने इसको वीक में एक बार यूज़ करना है, आपने इसको डेली यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो आपने इसको वीक में एक बार यूज़ करना है, फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपने इसको अप्लाई करना है, 10 मिनट आप इसको फेस पे लगा रहने दें। उसके बाद आप फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लें और आपके पास जो टोनर है वो यूज़ कर लें। इंशाल्लाह ताला टोनर क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे बनना है, कैसे नहीं बनना, बाज़ार का ख़रीदना चाहिए या नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द आपसे ये भी शेयर करूँगी। और जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। और प्लीज़ 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 मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर मुझसे कोई इस वीडियो में छोटी मोटी गलतियां हुई हों तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये सब होता है, तो मुझे माफ़ करिएगा। और आऊँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।